सवाल सबको समझ में आ गया है? कुछ भी नया सामने आता है तो या तो ये लगता है कि नया है तो असंभव है, होगा नहीं, या ये लगने लग जाता है कि बहुत मुश्किल है, हमारी काबिलियत के ही बाहर है, छोड़ दो, या तो रिजेक्शन आ जाता है या डर आ जाता है या नाउम्मीदी आ जाती है। या तो कुछ नया देखा तो उसको नकार ही दिया, रिजेक्शन, या डर ही गए या उससे नाउम्मीद हो गए। क्या इनके अलावा भी जीने का कोई तरीका है? चलो देखते हैं। तुम कब किसी नई बात को, नई घटना को, नए व्यक्ति को नकारते हो? अगर वो नया है तो फिर नया है, आप नकार सकते कैसे हो, आप मना कैसे कर सकते हो, रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? आपसे कोई बात कही गई और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये रिजेक्शन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, मन में क्या घटना घटती है? तुम्हारे पास एक नई बात आई और तुमने कहा ठीक नहीं, मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? हाँ, अभी वो नई है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट या अनइंटरेस्ट पता कैसे चलेगा? हाँ, डरते कैसे हैं? ऐसे ही तो नहीं डर जाते, बैठे बैठे तो नहीं डर जाते, कुछ होता है यहाँ पर, क्या होता है? पुराने से तुलना होती है, पुराने से तुलना होती है, हमें ये लगता रहता है कि पुराना जो है वही सब कुछ है। वो सर्किल याद है ना, मेरा टू डायमेंशनल वर्ल्ड ही सब कुछ है। नया जो भी आता है उसके बाहर का होता है, हम उसकी तुलना करते हैं उससे जो अभी तक के हमारे अनुभव में है और हमें याद है। अब निश्चित रूप से नया अगर वाकई नया है तो वो पुराने से मेल तो नहीं खा सकता, अगर पुराने से मेल खा रहा है तो फिर वो नया ही नहीं है। नए का अर्थ ही क्या है? जो पुराने से मेल ना खाए। तो ये तो हमने पहले ही पक्का कर लिया कि जो नया है उसको हम स्वीकार कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नया है तो पुराने से मेल खाएगा नहीं, और पुराना ही हमारे लिए सब कुछ है क्योंकि उससे हमारा वास्ता रहा है आज तक, अनुभव रहा है आज तक। सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता के साथ हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, हमेशा हम जो नहीं जानते उसका एक बहुत बड़ा विस्तार है, उसका एक बहुत बड़ा विस्तार है, जो हम जानते हैं हमेशा बड़ा सीमित रहेगा। दूसरी बात ये कि हम जितना जानते हैं दुनिया को और अपने आप को, अगर वो काफ़ी ही होता, अगर वो पूरा ही होता, तो हमारी ज़िंदगी में न निराशा होती, न कुंठा होती, और न शक होते, न डर होता। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो क्या तुम्हें डर रह जाएगा, क्या निराशा रह जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगा। जब आदमी इस बात को बड़ी विनम्रता से देख लेता है तो वो फिर नए के लिए खुल जाता है। फिर तुमने जो तीनों चीज़ें बोली, रिजेक्शन, फियर और डिसअपॉइंटमेंट, तीनों नहीं रह जाते। फिर मैं कहता हूँ कि आज तक मैंने जो जाना, आज तक जिन ढर्रों पे मैं जिया, घरों पे चल के तो वैसे ही मैं अधूरा अनुभव करता ही रहा हूं। तो निश्चित रूप से नए का आना अच्छा है ना कि बुरा है? तुम देखो ना कहीं हम सब नए को तलाश रहे हैं, नहीं तलाश रहे हैं क्या? पर कहानी मजेदार यहां पे हो जाती है कि वही नया जब सही में सामने आता है
तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। सबके सब नया भविष्य चाहते हो या चाहते हो भविष्य बिल्कुल वैसा रहे जैसा अतीत था? तुम सबके पास सपने हैं, और सपने क्या हैं? कि तुम वैसी ही ज़िंदगी जियो जैसी तुमने आज से 10 साल पहले जी, या किसी सुंदर नए भविष्य के सपने हैं? अब चाहते तो हम सब नए भविष्य हैं, कहीं ना कहीं हमारा अंतरतम किसी नए की प्रतीक्षा कर ही रहा है, कर रहा है ना। और वो नए की जो तलाश है वो कई रूपों में सामने आती है। कोई नया साथी मिल जाए, तुम्हारी उम्र में इस रूप में सामने आती है, कोई नया साथी मिल जाए, थोड़े और बड़े हो जाओगे नया घर मिल जाए या नई नौकरी मिल जाए, और जब बुढ़े हो जाओगे तो नया जीवन मिल जाए, ये जन्म बेकार गया पुनर्जन्म, नया जीवन मिल जाए। नए की तलाश तो लगातार बनी ही हुई है। लोगों को देखा है वो 3-3, 4-4 साल में नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, औरतों को देखा है वो हर महीने नए कपड़े खरीद रही हैं, लगातार नए की तलाश बनी हुई है, पर बड़े विकृत रूप से सामने आती है। जो वास्तविक नया है वो हमें कभी मिलता नहीं, तो हम ये छोटे मोटे नए से दिल बहला लेते हैं। चलो आज उस नया करते हैं, नया क्या करते हैं कि रोज़ पूड़ी खाते थे, चलो आज कुछ नया करते हैं। क्या नया करते हैं कि रोज़ ऐसे होकर के जाते थे काम पर, आज ऐसे होकर के जाएंगे। ये बड़े सस्ते विकल्प हैं, तुम्हें जो वास्तविकता में नया चाहिए वो तुम्हें इससे नहीं मिलेगा। जो वास्तविक नया है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो तो जब आता है तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, फिर भागते फिरते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। तीन शब्द तुमने बोले, तीनों हम उसके ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, रिजेक्शन, फियर, डिसअपॉइंटमेंट। और झूठे मूठे नयों के पीछे भागते रहते हैं। तो हम ये क्या खेल खेल रहे हैं अपने ही साथ? मैं बताता हूं क्या नया खेल खेल रहे हैं। नया हमें चाहिए तो, पर वो नया इतना नया होता है, हमने कहा ना नए का अर्थ ही है जो पुराने से संयुक्त होगा ही नहीं। नया हमें चाहिए तो, पर वो नया इतना नया होता है कि कहीं ना कहीं हमें डरा जाता है। तो हम नए की जगह पुराने का ही प्रक्षेपण कर देते हैं। हम नाम तो देते हैं नया चाहिए, और किसी न किसी रूप में पुराने को ही दोहराने की कोशिश करते रहते हैं। तुम सपने लेते हो कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, पर तुम वही नौकरियां चाहते हो जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। तुम्हें वास्तव में कोई बिल्कुल नया काम करने का मौका मिल जाए, तुम डर जाओगे, कदम पीछे खींच लोगे। जो लोग थोड़ा गांव देहात से या छोटे शहरों से आते हैं, उनके मन में सरकारी नौकरियों का बड़ा आकर्षण रहता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है अपनी जगहों पर कि घूम रहा है सरकारी अफसर और सब उसको सलाम बजा रहे हैं। अब तुम कहते हो कि मुझे एक नया भविष्य चाहिए। नया भविष्य चाहिए अतीत के पुराने आधारों पर, नया भविष्य चाहिए अतीत के पुराने आधारों पर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारी बड़ी बीज के बिच्छू जैसी हालत है, नया चाहिए भी और नया मिल जाता है तो हालत खराब हो जाती है। तो हमने एक बड़ा चतुर तरीका निकाला है, हम कहते हैं पुराने को ही ले लेंगे, उस पर लेबल नए का लगा देंगे। सांप भी मर गया, नया चाहिए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती नहीं है पुराने से, पर नया मिलता है तो खौफनाक भी लगता है। इतना सुंदर होता है, इतना तेज होता है उसमें कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा करो, पुराने को लो, उसमें नए का लेबल चिपकाओ, काम चल रहा है। अब ऐसा अधूरा काम चलने में तो कुछ रखा नहीं है, घुटन रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। नया उसी के जीवन में आएगा जो नए से डरे ना।
डरेगा वही नहीं जो जानता है कि मेरा कोई नुकसान हो नहीं सकता, और ये वही जानेगा कि मेरा कोई नुकसान हो नहीं सकता जिसके मन में अस्तित्व के लिए बड़ी श्रद्धा हो। जो कहे कि आने दो जो आ रहा है, जन्म भी मेरा एक नई घटना ही तो थी और मुझसे पूछ के नहीं हुई थी और मैं बिल्कुल नहीं जानता था मैं किस दुनिया में आ रहा हूं। तुम में से कितने लोगों ने पहले ही तय करा था कि इसी घर में पैदा होना है और बिल्कुल नई घटना थी और एक अनजानी जगह में पहुंच गए थे। हम सब जन्म लेकर के एक अनजानी और नई जगह पर ही आ जाते हैं। याद करो वो सारी बातें, गौर से देखो पूरे जीवन को और कहो कि नए में खतरा है कहां, कहां नए में कोई खतरा है, और लगातार सब कुछ नया नया ही तो है। अभी ये जो क्षण तुम्हारे सामने है इससे कितनी बार पहले गुजर चुके हो, कितनी बार। मैं रिप्ले तो नहीं कर रहा हूं कोई पुराना रिकॉर्ड, ये नया ही है ना बिल्कुल, तो डरना कैसा। सब कुछ जब लगातार नया ही है और ऐसी स्थिति में अगर मैं नए को ठुकरा रहा हूं तो मैं किसको ठुकरा रहा हूं, मैं जीवन को ही ठुकरा रहा हूं। समझ रहे हो, जब इस सफाई से अपनी पूरी जिंदगी को देखोगे तो तुमने जो तीन बातें कही, रिजेक्शन, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, तीनों तुमको नादानियां लगेंगी। तुम कहोगे अगर मैं नए को रिजेक्ट कर रहा हूं तो जीवन को ही रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जीवन लगातार नया है। तुम कहोगे अगर मैं नए से डर रहा हूं तो इससे भी डर रहा हूं और उससे भी डर रहा हूं और हर पल से डर रहा हूं क्योंकि हर पल लगातार नया है। अगर मैं नए से निराश हूं तो मैंने तय ही कर लिया है कि फिर जीवन कुंठा में बिताना है क्योंकि सब कुछ नया ही नया है। मेरे ये शब्द तुमने पहले सुन रखे हैं क्या? तुम अभी जो सांस ले रहे हो पहले भी ले चुके हो? बोलो, पुराना है कहां कुछ? तुम कहते हो तुम नए से डरते हो, नए से डरने का मतलब है जीवन ही डर में बिता देना। कितने लोग तुम में से उत्सुक हो कि भैया जिंदगी तो डर में ही बितानी है, हाथ खड़े करो। और कितने लोग कहते हो नहीं, जिंदगी का तो कोई और मतलब है, डर तो नहीं होना चाहिए जीवन में। इतने तो सब समझदार हो और नए की तलाश भी सबको है। जो कुछ करते हो कुछ नया मिल जाए इसीलिए करते हो। तो अब से ये बात पक्की है कि अपनी जो मैकेनिकल कंडीशनिंग है कि कुछ नई बात, कोई नया आदमी, कोई नई स्थिति सामने आई नहीं कि तुमने उससे अपने कदम पीछे खींच लिए, अब ये जब भी हो तो तुरंत चेत जाना कि फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। ये मन की पुरानी व्यवस्था है, वही अपनी नादानियों पे फिर उतरी हुई है, बिना बात ही डर रही है, व्यर्थ ही डर रही है, कोई कारण नहीं डर का। समझ रहे हो ना? अगर तुम नए से डरने लगे तो ठीक इस वक्त भी मुझे समझ नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं और कहने जा रहा हूं वो नया है ही। यही इस सत्र की कीमत है। अगर मैं तुम्हें वही सब कहने लगूं जो तुम पहले ही जानते हो तो मैं अपना और तुम्हारा दोनों का समय खराब करूंगा। मेरे यहां आने में कीमत है ही तभी जब नए के दरवाजे खुलें। भूलना नहीं वो थर्ड डायमेंशन, और थर्ड ही नहीं, हमने देखा कि वो सर्किल दो डायमेंशंस में जीता था, वो व्यक्ति तीन में। मैं तुमसे कह रहा हूं अनगिनत आयाम है, इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं, कहीं नहीं रुक जाना है, हमेशा खुले हुए रहना है, हमेशा। जीवन में जो कुछ भी कीमती है वो पुराना नहीं होता, बासी नहीं होता।
हाँ ठीक है, ये शर्ट शायद वही होगी जो तुमने कल भी पहनी थी, पर ये मौका वही नहीं है जो कल भी था। ये शब्द वो हो सकते हैं जो तुमने पहले भी कई बार सुने हो, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो डिक्शनरी के भीतर से ही है, मैं कोई नया शब्द आविष्कृत करके तो नहीं बोल रहा, ये सारे शब्द तुमने पहले भी सुने हैं, पर ये बात बिल्कुल नई है, हमेशा नई होगी, मैं बोलूं चाहे कोई और बोले। व्यक्ति वही हो सकता है जिसको तुम पहले से जानते हो, पर उस व्यक्ति के साथ बिताया जा रहा वो क्षण हमेशा नया है, प्रेम हमेशा नया है। व्यक्ति और उसका नाम पुराने हो सकते हैं, हाँ वही नाम है जो कल भी था, रोज नाम नहीं बदलोगे, पर ये जो क्षण है जो उसके साथ बिता रहे हो और प्रेम वो नया ही है। किसी ने कहा है द वर्ल्ड इज कॉन्टिन्यूअस क्रिएटिविटी, अ क्रिएशन इन प्रोसेस, लगातार नया ही है, एक बार बना नहीं दिया गया है, प्रतिपल बनाया जा रहा है और लगातार नया है, हर समय बदल रहा है, इसी बदलाव का नाम जीवन है, जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकता वो जीवन को अस्वीकार कर रहा है। जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते, ऐसों पे एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, एक बार एक सज्जन अदालत में गवाही देने गए तो उनसे जज ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोले 30 साल। जज ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, आज से 5 साल पहले भी तुम आए थे और तुमने कहा था कि तुम्हारी उम्र 30 साल है। तो ये सज्जन बोलते हैं आप भी वही, ये अदालत भी वही, ये कटघरा भी वही, ये गीता भी वही जिस पर मैं हाथ रख के कसम खा रहा हूं, और मैं भी वही, तो मेरी उम्र कैसे बदल सकती है। सवाल कंसिस्टेंसी का है, जब सब कुछ वही है तो उम्र भी वही रहेगी। समझ रहे हो, जो असली है वो लगातार बदलेगा। किताब और किताब के पन्ने और किताब की जिल्द, ये तुम्हें लग सकता है कि पुराने हैं, पर तुम कभी पुराने नहीं रह सकते, तुम्हें बदलना होगा। जो अपने आप को भी रोकने की कोशिश करते हैं वो उसी तरीके से मजाक बन जाते हैं जैसे ही आदमी की बात कंसिस्टेंसी की है। जब मैंने एक बार 5 साल पहले बोल दिया था कि मेरी उम्र 30 साल है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 35 हो गई, वो 30 ही रहेगी, कह दिया तो कह दिया, एक बार कह दिया ना। तुम ऐसे मत हो जाना, जो लगातार बदल रहा है उसको बदलने ही देना, उसका स्वागत करना, स्वीकार करना, ठीक है। मन बना करके मत बैठ जाना कि ऐसा ही है और अब मुझे कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, ठीक।